आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं हूं अन्नू कपूर और ये है 92.7 बिग एफएम और आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज के सुहाना सफर का पहला किस्सा, सबसे पहले शाहरुख खान गौरी की पहली मुलाकात कैसे बदली दोस्ती में, फ्रेंडशिप कैसे हुई ये जानेंगे आज। ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख खान ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने एक फैन को नौकरी का ऑफर दे दिया। सुनाऊंगा एक ऐसे भाई की कहानी जिसने अपनी बहन को दी नई जिंदगी। कौन था वो बताऊंगा आज। बात 1984 की है, तब की, जब शाहरुख खान पतले दुबले से हुआ करते थे और थिएटर में काम करते थे। उन्हीं दिनों शाहरुख ने एक पार्टी में एक लड़की को देखा, गौरी, और वो एक लड़के के साथ डांस कर रही थी। खुले बाल, लहराती हुई काली काली घनेरी जुल्फों में गौरी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। पहली ही नजर में गौरी ने शाहरुख खान के दिल पर दस्तक दे दी थी, मगर शर्मीले स्वभाव के शाहरुख खान काफी देर तक गौरी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। काफी देर के बाद आखिर जैसे तैसे शाहरुख खान ने हिम्मत जुटाई और गौरी को डांस करने के लिए अपने साथ पूछ ही डाला। सुना गौरी ने, बड़े शांत भाव से शाहरुख से कहा, मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूं, सॉरी। हाय, दिल तोड़ दिया। शाहरुख खान निराश हो गया, पार्टी खत्म हो गई। मगर गौरी को शाहरुख अपने दिल से नहीं निकाल पाए। उन्होंने गौरी के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की तो पता चला कि पार्टी में वो जिसके साथ डांस कर रही थी वो उसका कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं था, भाई था उसका। वो तो उसने शाहरुख खान से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल दिया था। आहा, ये समाचार नहीं गुड न्यूज थी। शाहरुख खान का दिल बल्लियों उछल गया। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने यह कहा कि इसके बाद उन्होंने किसी तरह जुगाड़ करके, हिंदुस्तानियों की तो कैफियत जुगाड़ की होती है, और अगर ये जुगाड़ किसी महबूबा के लिए जो दिल में उतर गई हो करना पड़े तो हम हिंदुस्तानी इस मामले में किसी से पीछे नहीं रहते। तो उन्होंने किसी तरह जुगाड़ करके गौरी का नंबर हासिल किया, गौरी से फोन पर बात की और कहा, देखो यार, मुझे भी अपना भाई समझो। ये सुनकर गौरी हंसती चली गई और इसके बाद से बन गए दोनों दोस्त। और बस दोस्ती दोस्ती में गौरी शाहरुख खान के चक्कर में फंसती चली गई। शाहरुख खान के स्कूली दिनों की बात है कि जब कभी उनका क्लास से गायब हो जाने का मन करता तो उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ जाया करता था। वो अचानक जमीन पर लोटम लोट हो जाया करते। बालक शाहरुख की हालत देखकर उनके क्लास टीचर घबरा जाते और शाहरुख खान को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया जाता। शाहरुख की इस शरारत में जाहिर है कि उनके दोस्तों की भी मिलीभगत रहती थी। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। हुआ यूं कि शाहरुख खान और उनके कुछ दोस्तों ने पूर्व योजना के साथ फिर वही मिर्गी वाला नाटक रचा और क्लास टीचर ने उनकी हालत देखते हुए घर भेजने के लिए कह दिया। शाहरुख खान के दो चार साथी उन्हें क्लास से बाहर ले गए। कुछ ही पल बीते होंगे कि उन साथियों में से एक भागता हुआ क्लास में आया और टीचर से बोला, सर जल्दी से अपने जूते दे दीजिए। टीचर हैरान हो गया, क्यों भाई, जूते क्यों? तो स्टूडेंट ने कहा, सर आपको तो पता है कि मिर्गी वाले रोगी को जूता सुंघा देने से मिर्गी का अटैक कम हो जाता है, मिर्गी का दौरा ठीक हो जाता है। इससे पहले टीचर कुछ सोचे और रिएक्ट करे, स्टूडेंट ने जबरदस्ती टीचर से जूते उतरवा लिए और लेकर निकल भागा क्लास से। अब शाम तक ना तो शाहरुख खान का साथी का पता पड़ा और ना ही टीचर के जूतों की कोई खबर मिली। और आखिर उस दिन बालक शाहरुख खान के क्लास टीचर को अपने घर बिना जूतों के जाना पड़ा। हेलो नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से। आप कौन बोल रही हैं?
जी नमस्ते अनु जी, मैं पारुल बोल रही हूँ भोपाल से। जी जी पारुल, स्वागत है आपका। जी बोलिए। थैंक यू जी, आपके इस शो में आप गुजरे जमाने की बातें करते हैं, आर्टिस्ट के बारे में बताते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप शाहरुख खान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आज उनका बर्थडे है वैसे भी। नहीं कोई बात नहीं, बुरा लगने की कोई बात नहीं है। यूजुअली हमारा जो कार्यक्रम है वो गुजरे दौर के सुनहरी यादों को लिए आता है, लेकिन आपकी फरमाइश मैं पूरी जरूर करूंगा। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में शाहरुख खान पैदा हुआ था। इनके पिता का नाम था ताज मोहम्मद खान, फ्रीडम फाइटर थे इनके वालिद। वकालत की पढ़ाई की लेकिन वकालत की प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने। शुरुआत में वो, मैंने सुना है, विलिंगटन हॉस्पिटल में एक दुकान चलाया करते थे। बाद में उन्होंने NSD में कैंटीन भी चलाई। इनके वालिद साहब का गुजरना कैंसर की वजह से हुआ। आपकी वालिदा यानी कि माँ का नाम लतीफा फातिमा, और कंफर्म नहीं कह सकता लेकिन मेजर जनरल शाहनवाज खान की रिश्तेदार थीं। शाहरुख के पिता की मौत के बाद उनकी माँ ने ऑयल एजेंसी चलाकर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, परवरिश की, और इनको प्यार हो गया था जिस लड़की से, उसका नाम था गौरी छिब्बर। गौरी छिब्बर के साथ जाहिर है कि थोड़ी बहुत मुखालफत हुई होगी कि मुसलमान लड़का है, छिब्बर पंजाबी कुड़ी है, लेकिन फिर भी दोनों में इतना इंटेंस प्यार था कि दोनों ने शादी की, हिंदू विधि के हिसाब से इनकी शादी हुई। गौरी छिब्बर हो गई श्रीमती गौरी खान, और दोनों की 3 संतानें हैं, 2 बेटे हैं, 1 पुत्री है। बेटे का नाम आर्यन है, बेटी का नाम सुहाना, और एक सबसे जो छोटा बेटा उसका नाम है अब्राम। शाहरुख खान का बचपन जितना भी मैं जानता हूँ, राजेंद्र नगर है ना जो दिल्ली में, वहाँ के मकान नंबर FF442 में बीता। कोलंबस हाई स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की, फिर हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, इसके बाद जामिया मिलिया से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया, बैरी जॉन से के साथ थिएटर किया, एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद फिर फौजी उनका एक सीरियल था जहाँ से उनको एक ब्रेक मिला। 2 नवंबर 1965 को बर्थडे। आपकी तरफ से भी शाहरुख, अगर तुम सुन रहे हो तो उनकी तरफ से भी, 92.7 बिग FM की तरफ से भी, और मेरी तरफ से भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सेहतयाब रहें, खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या फरीदाबाद रहें। थैंक यू सो मच। दिल्ली में एक परिवार रहा करता था, पति पत्नी, 2 बच्चे, 1 बेटा 1 बिटिया। जाहिर है पिता को हमेशा पुत्री से बहुत लगाव होता है, और बिटिया भी बाप की लाडली होती है। एक दिन बाप दुनिया छोड़कर चला गया, बिटिया कॉलेज गई हुई थी, खबर भेजकर उसे बुलाया नहीं गया। बेटी जब घर लौटी तो देखा पिता का मृत शरीर, बेहोश हो गई, 2 दिन तक बेहोश रही। 2 दिन बाद जब होश आया तब तक बाप का अंतिम संस्कार किया जा चुका था, लेकिन बिटिया की आंख से आंसू की एक बूंद तक नहीं निकली। वो अटल डिप्रेशन में चली गई, बोलचाल भी बंद कर दी, किसी से बोलती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी, और ऐसे ही 2 साल बीत गए। बुत बनी रही, स्टैचू, बीमार पड़ गई, घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ छोटे भाई के कंधों पर आ गया, और भाई ने बहन को भी संभाला अपना फर्ज समझ के। नाजों से इलाज चलने लगा, बहन के हालात कुछ सुधरने लगे, भाई को किस्मत मुंबई ले आई। तभी अचानक मां भी चली गई हमेशा के लिए। मां की मौत ने फिर से बहन को डिप्रेशन में पहुंचा दिया। तबीयत इतनी खराब हुई कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि भाई सुन, तेरी बहन अब नहीं बचेगी। इस लड़के ने बाप मां तो खो दिया, लेकिन एक ही बची थी, वो थी उसकी बहन। भाई ने कहा मैं अपनी बहन को नहीं जाने दूंगा, हिम्मत नहीं आ रही। जो भी संभव था उसने अपनी बहन के लिए किया, लेकिन कुछ दुआएं, कुछ उसका नसीब, इसी दौर तक आते आते वो स्टार भी बन गया था। वो अपनी बहन के इलाज के लिए उसे स्विट्जरलैंड लेके गया। बहन की तबीयत में सुधार आने लगा, जान तो बच गई बहन की, लेकिन हालात अभी भी उतने ठीक नहीं थे। वो बुत ही बनी रहती थी, स्टैचू, किसी से बात नहीं करती थी, खामोश। लेकिन भाई खुश था कि उसकी बहन की जान बच गई। वक्त गुजरा, 10 साल बीत गए। भाई पूरी शिद्दत से खिदमत में लगा रहा, इस उम्मीद से कि एक दिन उसकी बहन ठीक हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। भाई के समर्पण ने बहन को ठीक कर दिया। आज एक दशक के बाद उसकी बहन सामान्य हो चुकी है, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन भाई उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता।
जान से ज्यादा चाहता है, पूरी दुनिया से ज्यादा चाहता है। अपनी बहन को उसने माँ का दर्जा दे रखा है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब तक वो माँ के दीदार नहीं कर लेता है उसे चैन नहीं आता है। सलाम है उस भाई को जिसने अपनी बहन को नई जिंदगी दी, सलाम है उस बिटिया को जो अपने बाप से इतना मोहब्बत करती थी, और सलाम है उस भाई बहन के प्यार को जिसकी वजह से आज अन्नु कपूर ये कहानी सुनाते हुए आंखों में नमी महसूस कर रहा है। बहन का नाम है शहनाज और भाई का नाम है शाहरुख। आज सुनाने जा रहा हूं शाहरुख खान के फैन के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। ये बात हाल ही में रिलीज हुई उनकी एक फिल्म फैन के दौरान की है। आजकल इंटरनेट पर फिल्में और उनके ट्रेलर्स रिलीज होने से पहले सितारों के फैंस दीवाने मुरीद उस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर देते हैं जो स्वयं उनका बनाया हुआ होता है, जिसे फैन ट्रेलर कहा जाता है। अब हुआ यूं कि फैन फिल्म रिलीज होने से पहले इसी तरह शाहरुख खान के एक फैन ने फिल्म फैन का एक ट्रेलर बनाकर फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। गौर फरमाइएगा कि ये उस पिक्चर फैन का असली ट्रेलर नहीं था। ऐसे दीवानों के द्वारा बनाए गए ट्रेलर या फैन मेड ट्रेलर आपने इंटरनेट पर कई बार देखे होंगे। बहरहाल जैसे ही ये ट्रेलर विजिबल हुआ, लोगों को इतना पसंद आया कि ये सोशल मीडिया में हो गया वायरल। लोगों ने देखा, बेहद सराहा, और इतना सराहा कि बात आ पहुंची शाहरुख खान के कानों तक। शाहरुख खान ने इस ट्रेलर को देखा और उन्हें भी सबकी तरह ये ट्रेलर बहुत पसंद आ गया। पर उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना शायद शाहरुख खान के उस फैन या दीवाने ने सपने में भी नहीं की होगी। हुआ यूं कि शाहरुख खान ने उसी सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से उस फैन को अपने प्रोडक्शन हाउस के VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट में नौकरी ऑफर कर डाली। और उस लड़के का नाम है शिवम जैमिनी, और इस लड़के ने ये साबित कर दिया कि फिल्म के स्टार्स को फॉलो करना या उनका दीवाना होना, फैन होना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप में हुनर है, टैलेंट है, पोटेंशियल है, मेहनत करने की लगन है, तो आजकल ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपनी बात और प्रतिभा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और प्रतिभा अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो आपको सफल होने से शायद ही दुनिया की कोई ताकत रोक सके। 2007 में शाहरुख खान प्रोडक्शन की फिल्म ओम शांति ओम रिलीज हुई, जिसे फराह खान ने डायरेक्ट किया था। फिल्मी दुनिया के लोगों से जुड़ी हुई कहानी थी। इसमें एक सीन में सीनियर वेटरन मनोज कुमार की नकल की गई थी, मजाक उड़ाया गया था, स्पूफ जिसे कहते हैं अंग्रेजी वाले। मगर यह स्पूफ मनोज कुमार के फैंस को पसंद नहीं आया, खुद मनोज कुमार को भी अच्छा नहीं लगा, जाहिर सी बात थी, जिसकी कंप्लेन उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी से की। प्रोडक्शन वालों ने उनकी बात नहीं सुनी, इग्नोर कर दिया, तो उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर शाहरुख खान के खिलाफ सिविल एंड क्रिमिनल केस रजिस्टर करवा दिया। 2 साल तक प्रोसीडिंग्स चली, मगर तभी एक दिन शाहरुख खान को मालूम हुआ कि उनकी अम्मी की जानने वाली सविता देवी का मुंबई में ऑपरेशन है। तो शाहरुख खान अपनी मदर की सहेली की खैरियत लेने पहुंच गए और वहीं मुलाकात हो गई मनोज कुमार से, क्योंकि जिस सविता देवी से शाहरुख खान मिलने गए थे, खैरियत पूछने गए थे, सेहत के बारे में जानने गए थे, हेल्थ के बारे में पता करने गए थे, वो मनोज कुमार की सास थी और मुंबई ऑपरेशन करवाने आई थी। तब सविता देवी के कहने पर मनोज कुमार और शाहरुख खान में समझौता हो गया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत मनोज कुमार ने केस वापस ले लिया और शाहरुख खान ने अपनी फिल्म से वो सीन डिलीट कर दिया। इस तरह एक बरसों पुराने रिश्ते की वजह से एक झगड़ा खत्म हो गया, आपस में जो तलखियां हुई थी वो मिठास में तब्दील हो गई।